ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धर्मशाला उपचुनाव में भाजपा से टिकट चाहने वालों की कतार लगातार लंबी होती जा रही है। अब भारतीय मजदूर संघ ने भी धर्मशाला से टिकट की दावेदारी जताई है। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष देवराज पठानिया ने मीडिया के समक्ष धर्मशाला से भाजपा से टिकट की मांग उठाई है। यही नहीं, भारतीय मजदूर संघ प्रदेश नेतृत्व उपचुनाव में टिकट के लिए रणनीति बनाने धर्मशाला में जुटा है। धर्मशाला उपचुनाव में भाजपा से टिकट चाहवानों की कतार लगातार लंबी होती जा रही है। अब भारतीय मजदूर संघ ने भी धर्मशाला से टिकट की दावेदारी जता दी है। भामंस के प्रदेश उपाध्यक्ष देश राज पठानिया ने मीडिया के समक्ष धर्मशाला से भाजपा से टिकट की मांग उठाई है। यही नहीं, भामंस प्रदेश नेतृत्व उपचुनाव में टिकट के लिए रणनीति बनाने धर्मशाला में जुटेगा। भामंस प्रदेश उपाध्यक्ष देश राज पठानिया ने बताया कि वे वर्ष 2090 से भारतीय मजदूर संघ से जुड़कर कार्य कर रहे हैं और भामंस भी भाजपा का ही अंग है। उन्होंने बताया कि भामंस प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर ही उन्होंने टिकट की दावेदारी जताई है तथा इस संबंध में प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के समक्ष भी भामंस अपना पक्ष रखेगा। उन्होंने कहा कि भामंस नेता के रूप में वे लंबे समय से कर्मचारी हितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं तथा कर्मचारी वर्ग की कई मांगों को सरकार के समक्ष उठाया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, ऐसे में कर्मचारी नेता होने के चलते उन्हें उपचुनाव में लाभ मिल सकता है। गौरतलब है कि धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के खनियारा निवासी देशराज पठानिया आईपीएच विभाग धर्मशाला में बतौर वर्क इंस्पेक्टर कार्यरत है। तो धर्मशाला से शीर्ष नेतृत्व को मुख्यमंत्री को हमने टिकट अप्लाई करने के लिए जो दावा भारतीय मजदूर संघ की ओर से दिया जी, इससे हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है बीएमएस का, वो एनजीओ जो वही फैसला करेगा जी। तो हम 90 से भारतीय मजदूर संघ जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है, तो हम सदैव उनके लिए जैसे 90 से लेकर आज तक काम कर रहे हैं, तो ऐसे कर्मचारी के हिस्से से हम टिकट मांग रहे हैं कि कर्मचारियों को भी टिकट मिलना चाहिए। चुनाव बिल्कुल समीप है और आपको लगता है कि इस वक्त टिकट की मांग करना थोड़ा सा अनुचित है? ऐसा होता है, टिकट मैंने कई बार देखा है, टिकट जो है लास्ट में ही किसी का करता है, किसी को मिलता है, किसी को आगे आ जाता है। आपने भी ऐसे सुना होगा, पहले ऐसा ही होता है, तो मैं भी उसी आधार से और पहले मैंने अपने सिर से बात की थी, तो आज हमने दावा रख दिया। उन्होंने शायद पहले हमने बोला था कि आप दावा रखो, हमने नहीं रख पाए, लेकिन आज हमने जब बोला कि दावा रखो, शायद बात हुई उनकी, तो हमने दावा रख दिया। अभी 2 दिन पूर्व भी धर्मशाला में जो है मुख्यमंत्री आए थे और संगठन भी पूरा भाजपा का यहाँ आया था उम्मीदवार तय करने के लिए, आप वहाँ जाके उनसे मिले हैं या आपने उनसे मांग रखी है टिकट की? उससे हमारे जो शीर्ष जो हमारे जैसे मदन राणा जी है जिससे जिम्मेवारी दी है, ममता राम नेगी जी है, वो उनसे मिले हैं।